प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स पर आपका व्यू क्या है, क्योंकि आज भी हर तेजी को बेचा जा रहा है, आज भी यहाँ पे बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है तेजी में, क्या करना चाहिए इंडेक्स में? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल डाउ जोन्स और आज सुबह एसजेक्स को देख के काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बाउंस, बट मैं काफी कॉशियस था कि जब तक हम स्पॉट लेवल में 17175 के ऊपर नहीं निकलते, मैं थोड़ा सा बाइंग से रिलक्टेंट था, क्योंकि मैं देख रहा था कि हर बार जब हम 17080 17100 इस जोन में स्पॉट पे जा रहे हैं, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है। तो मैं चाह रहा था कि मैं जब ओवरनाइट लॉन्ग कैरी करूं तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से करूं, इसीलिए मैं इंट्राडे या छोटे ट्रेड्स के लिए अवॉइड करके साइड वाइज पे था। बट अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मूव आई है आफ्टरनून में, पहले मेरा एक्सपेक्टेशन था कि शायद कॉल राइटर्स के अगेंस्ट मूव आएगी, बट जैसे जैसे मार्केट प्रोग्रेस कर रहा है मुझे ये क्लियरली दिख रहा है जो पुट राइटर्स है उनके खिलाफ आज की मूव आ रही है। दोपहर को शायद ये मूव और स्ट्रांग हो सकती है। अगर मैं अभी सितंबर फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से बात करूं तो हम निफ्टी में करीबन 16880 के करीब है, और मुझे लग रहा है कि आज हम डेफिनेटली कल के लो को ब्रेक कर सकते हैं और करीबन 16800 के नजदीक हम एक्सपायर हो सकते हैं, एक्सपायरी आज की हो सकती है। तो यहाँ पे खरीदारी की राय तो मेरी आज बिल्कुल भी नहीं होगी, जो भी खरीदारी करनी होगी मेरे हिसाब से कल के दिन को छोड़ के भी हम मंडे के बाद एक फ्रेश राय दे सकते हैं जब मंथ एक्चुअल में स्टार्ट हो और तब जो प्राइस एक्शन हो, वीकेंड के सरप्राइजेस अवॉइड हो, वो हिसाब से। फिलहाल मुझे लग रहा है कि जब तक निफ्टी 16950 इस जोन को क्रॉस नहीं करती हर रैली बेची ही जाएगी, और शायद आज हम 16800 के करीब जाए दोपहर तक। और उसी के सामने में जब बैंक निफ्टी देख रहा हूँ मुझे वो ज्यादा वीक लग रही है, क्योंकि 38000 पुट राइटर्स के खिलाफ मूव आ चुकी है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है शायद हम दोपहर में 150-200 पॉइंट या 300 पॉइंट भी हो सकता है एक बड़ी डाउनवर्ड मूव देख सके, और करीबन 37500 से लेके 37400 इस जोन को छू लेंगे। तो दोनों ही तरफ मेरी बेयरिश राय है, खरीदारी के लिए बिल्कुल भी मैं ना कहूंगा, और जिनको शॉर्टिंग नहीं आती थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, मार्केट स्टेबिलाइज हो जाए, ओवरनाइट इवेंट्स खत्म हो जाए, तब आप आराम से लॉन्ग्स ले सकते हो, फिलहाल मार्केट से आपको बाहर रहना होगा। तो इंडेक्स को आप अवॉइड ही करें, सीधी सीधी राय है प्रशांत जी की तरफ से, अभी कुछ मत करें, कल एक बड़ा एमपीसी का आउटकम आने वाला है उसको भी देख लें, और उसके बाद हफ्ते की जब नई शुरुआत होगी तब एक बार को अपनी रणनीति बनाएंगे, लेकिन सो फार आप इंडेक्स को अवॉइड करके चलें, ये प्रशांत जी की आपको साफ राय है, चाहे वो निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो। तो प्रशांत जी, इस तरह के सिचुएशन सिनेरियो में हीरो जीरो दे पाएंगे आप, क्या करना चाहिए अगर दे रहे हैं तो? सुमित जी, मैं एक ऑप्शन को डेफिनेटली ट्रैक कर रहा हूं, जैसे मैंने कहा मुझे बैंक निफ्टी में लग रहा है कि दोपहर में एक अच्छी डाउनवर्ड मूव आ सकती है, तो मैं छोटे रिस्क के जरिए इसको ट्रेड करना चाहूंगा, क्योंकि आज एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी है तो डेफिनेटली छोटे रिस्क लेने लायक होगी। तो जो 37700 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है आज के एक्सपायरी की, अभी करीबन ये 110-115 के रेंज में चल रही है, मैं इसमें डेफिनेटली पोजिशन लेना चाहूंगा। मैं इसमें जस्ट एक मॉनिटरी स्टॉप लॉस रखूंगा 20 रुपीज के आसपास, मेरा फर्स्ट टारगेट इसमें होगा 115 से लेके सीधा 195-200 जोन का, और टारगेट टू जो मेरा होगा वो 245 से लेके 250 का होगा। मुझे लग रहा है अगर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड मूव दे दे और हम 37450 37500 तक जाए तो ये टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि 37700 के पुट जो कि 110 के जोन में काम काज कर रही है, इसमें आप पोजिशन ले सकते हैं हीरो जीरो ट्रेड के मुताबिक, पहला 200 और फिर 245, 195 और 245, दो टारगेट्स यहाँ प्रशांत जी देख रहे हैं। औपचारिक स्टॉप लॉस रहेगा 20 का। आपको ये बता दें कि ये हीरो जीरो ट्रेड उनके लिए है जो बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडर हैं और जो एक अच्छा खासा मार्केट के जो मूवमेंट है उनको प्ले कर सकते हैं, उनके लिए ये ट्रेड रहेगा। कोई भी नॉन रिस्की ट्रेडर्स इसके अंदर पोजिशन एटलीस्ट ना बनाए, ये आज के लिए ही पोजिशन है, और स्ट्रिक्टली अपने दोनों स्टॉप लॉसेज और टारगेट्स को आपको संभालना होगा। तो ये आपके लिए एक हीरो जीरो ट्रेड जो कि प्रशांत जी लेकर आए हैं निफ्टी में, आप निफ्टी बैंक में 37700 के पुट के अंदर पोजीशन ले सकते हैं, 110 के आसपास है, 195-245 टारगेट और 20 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा प्रशांत जी, इंडिविजुअल कॉल्स कहाँ तेजी या मंदी आप देख रहे हैं? तो मैं एक मिक्स एंड मैच स्ट्रेटजी करना चाहूंगा, और कोटक बैंक मुझे लग रहा है काफी वीक स्ट्रक्चर हो चुका है, तो मैं कोटक को शॉर्ट करना चाहूंगा। मैं जस्ट 1800 के ऊपर यानी 1803 पे मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा, और मेरा जो टारगेट होगा वो 1720 का होगा, 1720 ये मेरी फर्स्ट पिक होगी ऑन द शॉर्ट साइड। नेक्स्ट पिक मैं थोड़ा लॉन्ग साइड पे जाना चाहूंगा एफएमसीजी में, और इसमें जो जुबिलेंट फूड्स है मुझे लग रहा है कि इसको 594-594 के नीचे स्टॉप लॉस रख के हम बाय कर सकते हैं, और इसमें मैं टारगेट देख रहा हूँ 640 का, 640। और जो नेक्स्ट पिक होगी वो मुझे लग रहा है जो सेक्टर शायद
अक्टूबर में आउट परफॉर्म कर जाए पीएसयू बैंकिंग। इसमें दो स्टॉक मेरे रडार पे एसबीआई और कैन बैंक। तो फिलहाल मैं कैनरा बैंक के साथ जाना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस बिलो 203। थोड़ी सी डिप अगर दोपहर में मिल जाए तो डेफिनेटली अच्छी डिप होगी और 203 के नीचे स्टॉप लॉस लेके हम बाय कर सकते हैं। टारगेट हम रखेंगे 235 का। तो ये चीज मेरे पिक होगी जहां मैं एक कोटक बैंक शॉर्ट और जुबिलेंट फूड एंड कैनरा बैंक लॉन्ग जाना चाहूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक शॉर्ट साइड पर आप जाएंगे। अगर आप बैंक्स में ही शॉर्ट करना चाह रहे हो तो कोटक महिंद्रा बैंक शॉर्ट के लिए, और कॉन्ट्रा ट्रेड आपके सामने रखा है केनरा बैंक जिसको आप लॉन्ग ले सकते हैं। 203 के आसपास कहीं आपको स्टॉप लॉस रखना है इसमें, और अगर डिप मिल जाए ज़्यादा बेटर है वहाँ पर आप लॉन्ग रखिए और पोजीशन में तेजी आप देख सकते हैं केनरा बैंक में। और जुबिलेंट फूड ये 640 रुपये के टारगेट के लिए आप दाम लगाएंगे, 590 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। प्रशांत जी मेरी याददाश्त में शायद आपने जुबिलेंट फूड में कभी शॉर्ट पोजीशन नहीं दी, हमेशा लॉन्ग ही रहे ना आप। जी हर बार लॉन्ग रहे और सुमित जी हर बार टारगेट हिट ही हुआ है, इस बार भी देखते हैं क्या होता है। चलिए ये बात तो सही है कि आपने हर बार इसमें टारगेट भी अचीव करवाए हैं, और जुबिलेंट फूड पुराना फेवरेट है प्रशांत जी का, तो आप 640 रुपए के टारगेट के लिए इसको देख सकते हैं, 590 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इंडिविजुअली कुछ और स्टॉक्स पे बातचीत करते हैं, जहां पे पहला नाम है एस्कॉर्ट्स। डे हाई के आसपास कामकाज कर रहा है, एफएंडओ का टॉप गेनर है। प्रशांत जी क्या करना चाहिए एस्कॉर्ट्स में? जी जिनके पास इसमें पोजीशन है वो बिल्कुल ही बने रहे, और मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक ने एक मार्केट के बिल्कुल विपरीत मूव दिया है और शायद ये और ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा 2085 का, यानी करीबन 2% आपकी रिस्क हो जाएगी। और ये स्टॉक अगर यहाँ से पिकअप होता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट बन के आ रहा है करीबन 2185 का, और उसके ऊपर अगर 2220 भी दिख जाए तो भी मुझे लग रहा है कि अचीवेबल है। तो डेफिनेटली एक बाय लिस्ट में जाएगा, ऑटो सेक्टर में पूरे सेक्टर को ही आउट परफॉर्म कर रहा है और श्योरली एक अच्छा पिक होगा। ओके अच्छा मेटल देखिए, क्योंकि आज मेटल में मूव है। एफएनडो के टॉप गेनर्स में जीएसपीएल का नाम शुमार है, हिंडालको का नाम शुमार है, टाटा स्टील 1.5% ऊपर है। हालांकि तेजी उतनी नहीं बची जितनी पहले थी, लेकिन फिर भी मेटल आज तेजी में है, क्या करना चाहिए यहाँ पर इस पूरे पैक में? जबकि मुझे लग रहा है कि काफी लोगों का ध्यान टाटा स्टील पे, क्योंकि वो 100 के नीचे करीबन उसके एक सपोर्ट जोन के अवेलेबल है, बट मुझे इस जोन में जो स्टॉक ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है वो जिंदाल स्टील एंड पावर है, जो अभी करीबन 415-420 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक इस सेक्टर में थोड़ा स्ट्रांग है और इसको हम डेफिनेटली 409 यानी छोटे रिस्क के साथ बाय कर सकते हैं, और टारगेट हम रख सकते हैं करीबन 435 एज टारगेट वन एंड 445-450 एज टारगेट टू। 435-450-52 ये दूसरा टारगेट रहेगा जहां पर आप नजर बना के रख सकते हैं, और ये कॉल रहेगी मेटल में अगर आप जाना चाह रहे हैं। टाटा स्टील को अवॉइड करें, आप जीएसपीएल को एटलीस्ट देख सकते हैं अगर आप मेटल में कोई पोजीशन लॉन्ग लेना चाह रहे हैं। तो सिचुएशन सिनेरियो में प्रशांत जी सस्ता ऑप्शन कौन सा आपने आइडेंटिफाई किया? जी सुमित जी एक बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो जहां तक मुझे याद है एक बार वीरेंद्र जी के साथ इसी शो पे जुलाई के एंड में बात करते हैं मैंने कहा था करीबन 27 का प्राइस था, और मैंने कहा था कि ये बैंक एक जो हम कहते हैं कि अगली डकलिंग टर्निंग इनटू अ स्वान उस कैटेगरी में जा रहा है और वहां से शायद वो पिक्चर चेंज हो सकता है। तो वो उसमें एक बहुत अच्छी रैली आई और अब जो डिप आई है तो इसको मैं एक सस्ते ऑप्शन के जरिए अक्टूबर में ट्रेड करना चाहूंगा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो 50 यानी 50 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन है करीबन अभी वो 1.3 के आसपास है, इसको मैं थोड़ा नीचे यानी 1.15 के नीचे खरीदना चाहूंगा और शायद आज दोपहर में या कल तक वो मिल जाएगी। उसके बाद मैं जो स्टॉप लॉस रखूंगा वो करीबन 0.55 के नीचे रखूंगा, मेरा टारगेट होगा 2.4 का फर्स्ट टारगेट। मुझे लग रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शायद अक्टूबर में अच्छी मूव दे सकता है और ये करीबन 52-53 के लेवल तक जा सकता है, और इसीलिए मैं इसको एक सस्ते ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। आईडीएफसी फर्स्ट की अक्टूबर की 50 की कॉल आपको जो कि करीब करीब 1.30 रुपए के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है, 1.35 के आसपास इसे आप खरीदेंगे, 1.15-1.10 के आसपास। इसके लिए जो लक्ष्य देख रहे हैं प्रशांत जी वो 2.5 रुपए देख रहे हैं, और इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 50 पैसे का आपको लगा कर चलना है। ये प्रशांत जी की तरफ से एक सस्ते ऑप्शन के तौर पे उन्होंने कॉल चुनी है। प्रशांत जी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, एक प्राइवेट बैंक में आप बिकवाली की राय दे रहे हैं, एक पीएसयू बैंक में आप खरीदारी की राय दे रहे हैं, एक प्राइवेट बैंक में आप तेजी की बात कर रहे हैं सस्ते ऑप्शन में, ऐसा क्यों मिला जुला? और बैंक निफ्टी भी आपका सेल का व्यू है, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू, अलग अलग इंडेक्स, अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग एक ही सेक्टर में, ऐसा कैसे? सुमित जी जो व्यू है वो मेरा आज दोपहर के लिए है कि बैंक निफ्टी में पिकवाली होगी। ओवरऑल अक्टूबर में मुझे लग रहा है कि हम बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी रैली कर सकते हैं, तो जो आज की पिकवाली है उसी को मैं ट्रेड करना चाहूंगा एक पुट के जरिए, जो हमने हीरो या जीरो देखा है,
और ओवरऑल जो मुझे लग रहा है अगले हफ्ते बैंक निफ्टी कंसोलिडेट होकर आउट परफॉर्म कर सकता है। क्लियर व्यू, आज पिकवाली रहेगी, नियर टर्म प्रेशर रहेगा, लेकिन उसके बाद एक जोरदार तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रैली के तौर पे, जिसको इनकैश करेंगे प्राइवेट बैंक्स के थ्रू। तो आप सीजनल या सिचुएशनल ट्रेड आपको जो है वो लेने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी क्लियर थॉट हमें देने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, राय रणनीति अपनी बताने के लिए। बाजारों में बढ़िया लोअर लेवल से मूव आया जरूर है, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर, जो कि एटलीस्ट अभी भी 0.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन वोलेटाइल सेशन बना हुआ है। एक्सपायरी का दिन है तो देखना होगा सेकंड हाफ कैसे प्ले आउट होता है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार सास पोर सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ।